स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले एक परिवार पर आज फिर दिल्ली में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बताया गया है कि यह हृदय विदारक घटना दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में बारापुला फ्लाईओवर पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो को काफी तेज टक्कर मार दी, जिसमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के घुनवारा गाँव निवासी जनक जनार्दन भट्ट का परिवार सवार था। जहां हुए इस दर्दनाक सड़क हादसे में न सिर्फ उनके पत्नी बेटे की मौत हो गई, बल्कि मासूम आयुष का तो सिर से धड़ ही अलग हो गया। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस विभाग की टीम ने आरोपी कार चालक नोएडा सेक्टर 78 निवासी मुकुल तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वर्तमान में अपने परिवार के साथ दिल्ली के E-616 वेस्ट विनोद नगर में रहने वाले जनक नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं। परिजनों के मुताबिक जनक अपने दोनों बच्चों कार्तिक और आयुष व पत्नी गीता के साथ होली पर अपने बड़े भाई मुकेश के घर गए थे और वहां से वापसी के समय निजामुद्दीन क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हो गया। बताया गया है कि बीते शनिवार को आयुष का जन्मदिन भी था और सभी लोग जन्मदिन मनाने के लिए काफी उत्साहित थे, परंतु जिस दिन उसके जन्मदिन का केक कटना था उसी दिन उसकी मौत हो गई। आयुष की मां गीता ने भी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना से जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं समूचे क्षेत्र में भी शोक की लहर है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।